हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। आज जो मैं वीडियो कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और इस वीडियो को देखकर आप भी चाहोगे इस तरह का बिजनेस करना। और जो कि आप स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर यदि आपके पास है तो आप इस तरह की जगह में आना पसंद करोगे। तो आज मैं सीधे ही इस ईवी चार्जिंग जो स्टेशन आप देख रहे हो उनके ऑनर से इंट्रोड्यूस कराऊँगा और पूछूँगा कि इनके में खर्च कितना आता है, चार्जिंग में क्या प्रोसेस होती है। तो सर, पहले आप अपना नाम बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको पहचान पाए। हेलो, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं अभी काफ़ी टाइम से इस वर्क कर रहा हूँ कि ईवी पे मैं काफ़ी नई चीज़ें डेवलप करूँ, इन्वेंशन करूँ, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जी। तो अभी मैंने एक नया ईवी चार्जर बनाया है जो कि वर्क करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही, अभी प्रेजेंट पे वर्क कर रहा है। और फ्यूचर में मैं इसमें सोलर पैनल भी इन्वॉल्व करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो भी आपका चार्जिंग हो। ओके, तो इस पे क्या है कि अभी हम क्या देखते हैं कि रूट पे कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है जी, कि भाई कुछ सुविधाएं हो कि कोई निकल रहा है जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आके यहाँ पे चार्जिंग कर सके। एक पॉइंट है कि आप पहले थोड़ा एड्रेस बता दीजिए इसका, फिर आगे हम इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। एड्रेस ये सतना से 9 किलोमीटर दूरी पे है, ये सिमरिया बेसिंगपुर रोड है जी। और यहाँ पे ये मेरा रेस्टोरेंट है होटल सिटी आउट। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगाया है कि लोग आए नाश्ता करें और तब तक टाइम है चार्जिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो टाइम का काफ़ी अच्छा यहाँ यूज़ हो सकता है, प्लस होटल है और यहाँ जो है तो आपके ईवी के साथ यदि यहाँ से गुजर रहे हो तो चार्जिंग भी कर सकते हो 20 या 30 मिनट, जितना आपके पास टाइम है। तो इसको बताइए कि अपने जैसे किसी बंदा आया, कोई ईवी लेकर आया तो खर्च कितना आता है चार्जिंग पे? खर्च का हमने जो रखा है यहाँ पे पर यूनिट का हमने 15 रुपीज़ रखा है। एक यूनिट यदि कोई भी चार्ज करता है स्कूटर में खपत होती है तो 15 रुपये पे करना होगा। इसमें टाइमिंग के हिसाब से नहीं है क्या? टाइमिंग का नहीं है, एक्चुअली क्या है कि टाइमिंग का इसमें कस्टमर ही चाहता है कि हम भाई हमारी इतना टाइम हुआ है तो हमने यहाँ एक मीटर रखा है। अच्छा, इस पर वो देख सकते हैं कि हमारी कितनी यूनिट गाड़ी ने हुआ। अगर कोई 15 मिनट या आधे घंटे ही चार्ज करता तो ओनली 10 रुपये। अच्छा, ये सिंपल चार्जर है या फास्ट चार्जिंग भी है ये बताइए? ये ओनली सिंपल चार्जर है, फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा महंगा उसका बन रहा था कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि उसमें यहाँ पे अभी इतना नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्योंकि लोग इतने इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि महंगी कॉस्ट भी हो जाती है इस वजह से। बट ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहती है। अच्छा, इसमें काफ़ी डिवाइस लगी है, आपका स्टेबलाइजर लगा है ना, और एम्पियर प्रॉपर रहे इसकी वजह से काफ़ी डिवाइस लगी इसके अंदर। अच्छा, इसीलिए इसके अंदर ये बॉक्स बना है। अच्छा, इसके बॉक्स के अंदर काफ़ी डिवाइस हमने लगा के रखी है। और आप जैसे बताएं कि सोलर मैंने अभी यूज़ करने वाला हूँ इस पर, और इलेक्ट्रिसिटी यदि चली जाती है तो इसमें करंट वगैरह अभी कुछ है या नहीं? इसमें अभी क्या है कि हमने इन्वर्टर सेटअप रखा है इन्वर्टर जो कि सोलर से सूर्य से रोशनी की बना के सौर ऊर्जा के तहत ये चलेगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी बोर्ड की तो डायरेक्ट आप चार्ज कर सकते कोई भी। अब ये बताइए कि इसमें आपने इस स्टेशन को लगाने के पीछे क्या मकसद है? मकसद कुछ नहीं, मैंने भी अभी पिछले मंथ ही एक ये ईवी ली है स्कूटर जो कि प्योर कंपनी की है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि बार बार मैं गाड़ी अंदर रखूं, चार्जिंग लगाऊं, तो मुझे तो पर्टिकुलर एक चार्जिंग स्टेशन बनाना था कि जहां ये गांव एरिया है तो लाइट का फॉल्ट होता रहता है। ओके, तो मैंने सोचा मेरी डिवाइस कोई ऐसा फॉल्ट ना आए इसलिए खुद पर्सनली मैंने बनाया था। अच्छा, फिर ये हुआ कि भाई मैं बाहर लगा देता हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ साथ और लोगों को भी काम मिल जाए, अभी सब लोगों को लगे कि अच्छी चीज़ है। ओके, लोग इंकरेज हों कि भाई हम ईवी ले रहे हैं, ये सुनसान रास्ता है, कहीं भी इसमें फ्यूल तो डलता नहीं ना, है भाई ना? इसमें क्या बैटरी का चार्जिंग है, तो एक लगता है आते हैं काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, मेरे पास बोलते तो बहुत अच्छा लगा। ये सेटअप को लगाए कितने मंथ हो गए? इसको मैंने दिसंबर में लगाया, दिसंबर में मैंने स्टार्टिंग दिसंबर में इसको लगाया था, तो अभी इसको चलते हुए बाकी बाकायदे बढ़िया चल रहा है इसका। तो कस्टमर कितने आ चुके हैं अभी? कस्टमर अभी इस लाइन में ज़्यादा तो नहीं है, पर 2 से 3 कस्टमर पर डे जो है मेरे अभी है। अच्छा, 2 से 3 कस्टमर। और जिसको पता है वही आते हैं या बहुत लोग को अभी नहीं पता है, ये थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल, अभी कई लोगों को ये लगता है कि भाई कैसा क्या है इसका, चार्जिंग क्या है, तो कई अच्छा। लोग सोचते हुए कुछ लोग रुकते हैं। अच्छा, और जिनको पता है अभी वही लोग आ रहे हैं। कभी कभार जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं रिक्शा वाले वो कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि उनका रूट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है तो आते हैं, पर अभी यही कहा जा सकता है कि जिनको पता है वो ही आ रहा है। सर, आप दिखाएं कि इस चार्जिंग स्टेशन से स्कूटर को कैसे चार्ज कर सकते, क्या प्रोसेस होती है थोड़ा दिखाएंगे? बिल्कुल,
ये इसका फ्यूल पॉइंट जैसे हमने एक इसका वो दिया है पावर अच्छा, पावर प्लग। एक्चुअली क्या है, हम देने को इसमें डिवाइस थ्रू ही देते थे, पर इसमें क्या हर इलेक्ट्रिक व्हीकल का अलग अलग एम्पियर चार्जिंग है। ओके, तो वो तो अगर मैं चार्जर इसी में फिट करा के देता तो इसमें क्या किसी गाड़ी व्हीकल का फॉल्ट आ जाए तो बैटरी में थोड़ा इशू हो सकता था। इस वजह से हमने क्या दिया, सभी गाड़ियों में आजकल सब अपना चार्जर लेके चलते हैं, तो हमने दिया कि पावर प्लग हम दे रहे हैं, आप अपना चार्जिंग प्लग लगाइए और बेहतरीन चार्ज करिए। तो जैसे अभी ये है, हमने इसको रखा और दोस्तों आप देख सकते हो ये डायरेक्ट कनेक्ट है चार्जिंग स्टेशन से, और जिस तरह प्लग आपको देखने को मिलेगा इस चार्जिंग स्टेशन पे। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो सपना से हो तो आप यहाँ ज़रूर एक बार विजिट करें। इसको प्लग इस तरह कुछ सेटअप है इसका, और काफ़ी इजी से ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। और यदि ये पूरी तरह से चार्ज होने लगा है ये स्कूटर, और सर ये बताइए कि जैसे किसी कस्टमर को यदि बैटरी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वजह से, जैसे आपने सेटअप बनाया है? मैंने सेटअप ही ऐसा बनाया है कि किसी भी कस्टमर को उनकी बैटरी व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली जैसे ये मानिए आपके घर का पावर प्लग जो कि हमने स्टैंड कर दिया है, बस ये है कि इसमें अर्थिंग पावर का स्टेबलाइजेशन पूरा कंटिन्यू रहे, इस वजह से हमने इसको ऐसा डिवाइस को डेवलप किया है कि इसमें कोई फॉल्ट ना आए, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। इसीलिए हमने ये जो अभी हमें लगाना पड़ रहा है ये लगाना नहीं पड़ता, बट हमने इसीलिए लगाया कि हर कंपनी का अलग अलग चार्जर है तो वो फॉल्ट ना हो, इस वजह से हमने पावर प्लग के थ्रू दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसमें आप कुछ आने वाले टाइम पे अपडेट करना चाहोगे या नहीं? तो सिंपल इसी तरह ये रहेगा बिल्कुल। हम अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें सोलर चार्जर का कर रहा हूँ प्लानिंग, तो उसमें क्या रहेगा कि ये विलेज एरिया है तो यहाँ होता है कि लाइट नहीं रहती काफ़ी टाइम, तो आते हैं हमारे कस्टमर तो कई बार उनको निराश होना पड़ता है कि भाई लाइट नहीं है, तो इसमें सोलर चार्जिंग लग जाएगा तो ये कंटिन्यू आप किसी समय भी आइए 24 आवर्स। और बहुत सारे कस्टमर्स चाहते हैं कि मेरा स्कूटर फास्ट चार्ज हो, बिल्कुल, तो इसमें भी कुछ आप इम्प्रूवमेंट करो? इम्प्रूवमेंट लगे हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है इसका फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने में कम से कम 3 लाख रुपए का जी वो तो ईवी में तो कंपनियां जो अभी तक दे रही हूँ 7 लाख से 4 लाख कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं, तो उसमें भी ऐसा है चल रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं भी इस फील्ड पे हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं भी इस पे लगा हुआ हूँ, तो देखते हैं कब तक हो पाता है। तो ये बताइए एक के ये स्कूटर को जैसे कि आपका ही है स्कूटी, तो इसको आप यहीं चार्ज करते हैं या आपने सेपरेट कुछ? मैं जब मैं यहाँ रहता हूँ तो यहीं चार्ज करता हूँ, और बाकी जैसे मैं अभी कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो जैसे मैंने यहाँ सुविधा रखी है तो मैं भी कहीं जा रहा हूँ तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। अच्छा। तो बाकी जगह क्या है इसका स्टेशन नहीं बना है, नहीं मिलता है, नहीं देते हैं। अच्छा। लगता है क्यों भाई कैसा था, पर कोशिश यही रहती है कि घर से चार्ज करके फुल निकले। इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है और इसीलिए मैंने इसको परचेज किया कि इसकी रेंज जो है काफ़ी अच्छी है अभी तक, जो मुझे बहुत बेस्ट लगी जी। और एक बार आप और एड्रेस बता दें इस ईवी स्टेशन का, ताकि हमारे व्यूअर्स यदि वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच पाए। ये सपना के पास ही है, ये 9 किलोमीटर ये सिमरिया बिरसिंहपुर रोड जो कहलाती है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट प्लेस कहलाता है आपका, पूर्वा फॉल, बसामन मामा, धारकुणी, बिरसिंहपुर, ये टूरिस्ट प्लेस है आपका। अच्छा। तो निकलते हैं काफ़ी लोग निकलते हैं, तो ये मेन रोड पे ही है, ये नियर अबाउट बाऊपुर, बाऊपुर में ही मेन कहा जाएगी, बाऊपुर में है होटल सिटी आउट। दोस्तों आप यदि ईवी है आपके पास, स्कूटर है, यदि आप चार्ज करना चाहते हो अपने स्कूटर को तो इस ईवी स्टेशन पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आपका स्कूटर जो है तो सिंपल तरीके से चार्ज होगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू भैया। ओके, वेलकम।